हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिंग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, 2 दिन का जो है करंट अफेयर बच गया है। 18 जो सितंबर है उसका करंट अफेयर जो है आप लोगों को आ नहीं पाया था, और आज जो है 19 सितंबर, तो दोनों का करंट अफेयर जो है मैं यहाँ पे कंबाइन करके जो है वो आपको बता दूंगा, ताकि आपका जो है कोई भी करंट अफेयर जो है वो ना छूटे। और साथ में बता दूँ कि इसका जो PDF है वो आपको एग्जामिंग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन जरूर हो जाना और वहाँ पर जो है आप जो है इसका PDF डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना, ताकि आप जो हो रिवीजन कर सको। तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज़्यादा होंगे, तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन सहनशीलता के साथ पूरा वीडियो जो है पूरा देखना। चलो देखते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च अ रिपोर्ट टाइटल रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, यानी कि किस संगठन ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार के लिए जो है इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है वो लॉन्च किया है। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा जो है वो है नीति आयोग, और तीसरा जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स स्टैटिक्स प्रोग्राम स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय जो होता है इसने किया है, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने किया है, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है उसने जो है ये लॉन्च किया है। तो ये हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन है। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर B, यानी कि नीति आयोग ने जो है ये रिपोर्ट आपको जो है इस नाम से रिपोर्ट जो है वो लॉन्च किया है। और रिपोर्ट जो इस नाम से लॉन्च है वो है रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। और इसका मतलब आप देखोगे तो ये है कि जिस तरह का आप देखोगे अभी अर्बन जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि जितने भी जो ग्रामीण विकास हैं, जितने जो लोग शिक्षित हैं हो रहे हैं, धीरे धीरे वो अर्बन की तरफ जो है वो एक तरह से बढ़ रहे हैं, जहाँ से लोग गाँवों से उठकर रूरल एरिया से उठ कर जो है शहरों में बसना चाहते हैं, शहरों में रहना चाहते हैं। और इसका रीज़न भी है कि जो रोज़गार की सेवाएँ हैं वो शहरों में हैं, गाँव में जो है आप कृषि छोड़ के बाकी जो रोज़गार की बड़ी बड़ी सुविधाएँ हैं वो आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो स्किल्स इंडिया है, यानी कि जो लोग बढ़ रहे हैं वो जो है शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, अर्बन प्लानिंग जो है इसके लिए करना पड़ेगा। और ऐसे जो अर्बन एरिया है, जो अर्बन सिटीज़ हैं, उनको इस तरह से प्लान करना पड़ेगा जिनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाया जा सके। उनकी कैपेसिटी के हिसाब से आप देखोगे कि जिनका कैपेसिटी है उसमें बढ़ाया जा सके, एक अच्छे ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से उसको प्लानिंग किया जा सके। और इसी रिफॉर्म को लेकर जो है नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जो है वो जारी किया है। तो होप्स हो कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो है डाउट है वो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हेन इज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बर्थडे सेलिब्रेटेड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे जो है वो कब मनाया गया। तो जहाँ पे ऑप्शन है वो है 16 सितंबर, 17 सितंबर, और यहाँ पे है आपको 19 सितंबर और 7 अक्टूबर, किस दिन जो है वो मनाया गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, बस इसलिए जो है मैंने डाल दिया है और इससे जुड़ी जो डिटेल्स है इसलिए जो है मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे डाला है। अब देखते हैं ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 17 सितंबर को जो है ये सेलिब्रेट किया गया, और इसके तहत जो ये मनाया गया, इनका जो है नरेंद्र मोदी जी का जो 71st जो है वो बर्थडे था, इसके तहत जो भारतीय जनता पार्टी है वो 20 दिन का जो है एक मेगा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, प्लान कर रही है, जिसका आप देखोगे कि सेवा और समर्पण अभियान के नाम से जो है ये रिलीज होगा। और ये इस वजह से कि जो मोदी जी को आप देखोगे तो ये 20 साल जो है पब्लिक सर्विस में जो है वो गुजार चुके हैं, इसीलिए जो है ये सेवा और समर्पण अभियान के नाम से जो है इनके 71st बर्थडे पे 20 दिन का एक मेगा इवेंट जो है प्लान किया गया है। और इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें डिटेल्स ये क्वेश्चन भी जो है इसलिए मैंने डाला है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट फास्ट टैग बेस मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी हैज़ बिन लॉन्च इन विच सिटी, यानी कि भारत की पहली फास्ट टैग जो आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा है वो किस शहर में जो है वो लॉन्च किया गया है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि ये टॉपिक जो है क्या कह रहा है। फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि जो भी टोल लगता है उस टोल को जो है पहले फास्ट टैग किया गया, यानी कि आपके पास फास्ट टैग है तो आपको टोल पे जो भी होता है रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फास्टैग का जो लेन होता है वो आप अपनी गाड़ी वहाँ से गुजारिए, डायरेक्ट जो भी फास्टैग का अमाउंट होगा वो जो है कट जाएगा वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे इसी सुविधा को लेकर जो है वो मेट्रो जो पार्किंग फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है,
यानी कि पार्किंग में जब भी आप जाते हो तो जो आप टोकन लेते हो, पैसे पे करते हो, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फास्टैग के जरिए जो है डायरेक्ट पार्किंग में आप जाओगे, डायरेक्ट जो है पैसे कट जाएगा, तो इससे क्या होगा कि टाइम की जो है वो बचत होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिटी में जो है ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है दिल्ली, और ऑप्शन नंबर सी जो है बेंगलोर, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो चेन्नई। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी, सॉरी, यहाँ पे आपको देखने लगा कि दिल्ली में जो है ये लॉन्च किया गया है। और कहाँ पे, तो ये लॉन्च किया है कश्मीरी गेट जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे लॉन्च किया गया है, और फास्टैग जो है ये दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन यानी कि DMRC जो है इसके साथ पार्टनरशिप करके जो है ये चीज़ें लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो देखने को मिलेगा कि विच नेशंस क्रिकेट टीम हैज़ अबैंडन्ड पाकिस्तान टूर सीटिंग सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि किस देश की क्रिकेट टीम ने सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए पाकिस्तान का जो दौरा था वो लॉन्च कर दिया है। और ये अभी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अपमानजनक बात है कि ये सीरीज जो है वो कैंसिल हो गया। और इसमें आप देखोगे तो जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो सी है ये है करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड जो था वो पाकिस्तान से 3 ODI मैच जो था वो रावलपिंडी में खेलने वाला था, और ये बिल्कुल टॉस से कुछ देर पहले जो है टीम को ऐसी सूचनाएं दी गई कि वो अपने जो होटल रूम है उससे ना निकले, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके जो है बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा लाहौर में जो है 5 T20 मैचेस होने थे, जो कि 3 आप देखोगे रावलपिंडी में और यहाँ से डायरेक्ट जो है वो 5 लाहौर में होने थे। ये सिक्योरिटी की वजह से जो है ज़्यादा वेन्यू जो है वो चेंज नहीं किए गए थे, और इसके हवाला देते हुए यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाला देते हुए जो है न्यूजीलैंड ने ये टूर कैंसिल कर दिया है। इवन आप देखोगे कि ये इतना कंसर्निंग मुद्दा है कि उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कॉल किया और उनसे ये बातें की कि इस जो टूर है इसको कैंसिल ना करें। फिर भी न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है वो कैंसिल कर दी। उनका कहना था कि जो वो सोच रही हैं कि यहाँ पे जो उन्हें खबर मिली है, तो उनके द्वारा जो खबर आई है उनके जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसको, कि यहाँ पे सिक्योरिटी का जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इसी को लेकर ये सीरीज़ जो है वो कैंसिल हो रहा है। और उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो बैठे थे कहाँ पे, तजिकिस्तान का जो है राजधानी है दुशाबेन, वहाँ पे जो है वो उस समय SCO की मीटिंग जो है वो चल रही थी, SCO आपको पता है, तो वहाँ पे जो है वो बैठे हुए थे और वहाँ से जो मीटिंग जो है वो कैंसिल उन्होंने फ़ोन किया, फिर भी जो है ये टूर जो है वो कैंसिल हुआ। और इसका मेन रीज़न आप देखोगे तो ये है तालिबान, और आपको पता ही है कि अगर आप सांप बगल में पालोगे तो सबसे पहले तो वो आप ही को डसेगा। पाकिस्तान ऐसा चाहता है कि वो सांप जो है वो इंडिया को डसे, लेकिन भुगत जो है वो अभी खुद ही रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन का। तो विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैज लॉन्च कार्बन वॉच या मोबाइल ऐप टू एसेस द कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट को आकलन के लिए, कार्बन की जो मात्रा है उसके फुटप्रिंट है उसके आकलन के लिए किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच नाम से एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस क्वेश्चन को जो है वो बिल्कुल भूलना मत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है चंडीगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और पुडुचेरी। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंडीगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपको देखने को मिलेगा कि हु लॉन्च रेलवे कौशल विकास योजना ऑन सितंबर 17, 2021, यानी कि 17 सितंबर 2021 को रेल विकास योजना किसने जो है वो शुरू की, किसने जो है वो लॉन्च की। यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो है अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, इसके अलावा आप देखोगे कि तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जो है मनसुख मंडालिया मंडाविया, और जो चौथा ऑप्शन है वह हरदीप सिंह पुरी। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है अश्विनी वैष्णव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही है करेक्ट आंसर। और ये योजना जब लॉन्च किया गया, रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया, और ये रेल कुशल विकास योजना जो है इस प्रोग्राम के अंदर जो प्रधानमंत्री कौशल योजना विकास है उसके अंदर जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि इसके अंदर रेलवे जो है ये एक इंट्री लेवल जो है स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा उनको, यूथ को, जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है एक स्किल्स होगा। आप देखो कि अभी जो है
और स्किल्स की जो है वो कमी बहुत ज़्यादा पड़ रही है किसी भी फील्ड में। आप देखोगे कि जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैकेंसी जो है लेकिन स्किल जो है वो स्किल आप कैंडिडेट देखोगे तो ये बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इस स्किल को जो है वो जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्री रिलेवेंट जो स्किल्स होता है उसको जनरेट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो मदद करेगा, इनको जो है ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा ताकि स्किल्स जो है अपने अंदर डेवलप किया जा सके। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज, यानी कि प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज किस संगठन ने जो है वो लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है वो है माई गॉव इंडिया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है इसरो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है नीति आयोग, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बिरला तारामंडल यानी कि बिरला प्लानिटेरियम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माई गॉव इंडिया ने जो है ये लॉन्च किया है प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज। और इसके चलते क्या होगा कि इसके चलते जो भी टेक एंटरप्रेन्योर हैं और जो इंडियन स्टार्टअप है उनको ये जो है एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है इसका प्राइमरी एम रखा गया वो रखा गया है कि जो लोकल स्टार्टअप हैं और जो टेक फॉर्म्स हैं इनको जो है एक साथ ला के इनमें जो है पोटेंशियल जो है वो बिल्ड किया जाए, जो कि इंडिजीनियस प्लानिटेरियम सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर है उसको जो है लॉन्च करें। और इसके चलते ये भी डेवलप किया जाएगा इसमें कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके एक वर्चुअल रियलिटी जो है उसके बेस सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाए, ऑगमेंटेड रियलिटी जो है उस पर बेस सॉफ्टवेयर किया जाए, और जो मर्ज रियलिटी है इस पर बेस सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया जाए। तो ये तीनों क्या होते हैं इस पर जो है मैं कुछ दिनों बाद एक वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ, वहाँ पे जो है इनके बारे में मैं बताऊँगा। ये टेक्नोलॉजी जो है ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इन पर काम होगा आने वाले दिन में, जो आप इन पर बहुत सारी चीज़ें जो है देखोगे, तो इसके बारे में जानना जो है वो ज़रूरी है, और एक मैं शॉर्ट वीडियो जो है इन पर सब पे बनाऊँगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि इंडिया शेफाली जुनेजा हैज़ इलेक्टेड एज द फर्स्ट वोमेन चेयरपर्सन ऑफ विच यूएन एजेंसी सिक्योरिटी कमेटी, यानी कि भारत की शेफाली जुनेजा जो है ये किस इस संयुक्त राज्य एजेंसी की सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुनी गई हैं। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बताऊँगा। ऑप्शन जो है वो है ICAO, इसके अलावा जो है UNTACD, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है UNHRC या ह्यूमन राइट काउंसिलिंग, और इसके अलावा जो है आपको यूनिसेफ, ये चाइल्ड एजुकेशन और उसके लिए होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है UN के अंदर उसकी जो फर्स्ट वोमेन महिला चेयरपर्सन बनी है वो है शेफाली जुनेजा, जो कि है इंडिया से। तो इस चीज़ को जो है आप याद रखना, और इंडिया जो है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो है वो आप देखोगे 12 साल बाद जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ले रहा है। इससे पहले आप देखोगे तो इंडिया का, देखो अगर आप प्रेजेंस की बात करते हैं तो अभी अगस्त महीने में जो है आप देखोगे तो वहाँ पे जो है इंडिया आपको देखने को मिला था कि UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका प्रेसिडेंट था, उसको जो है वो प्रेसिडेंट बना हुआ था। और यहाँ पे आप देखोगे जो इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चेयरपर्सन जो है वो इंडिया की शेफाली जुनेजा अभी बनी है। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ द राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन विच सिटी, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये किस राज्य की जो शहर है सिटी है वहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विद्यालय की जो है आधारशिला रखी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और गोरखपुर। तो जहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलीगढ़ में जो है ये महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ये बन रहा है, और इसकी आधारशिला जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो रख चुके हैं। हाँ, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अप्लाई टू ज्वाइन द एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग, यानी कि जो एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग है जिसको हम एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह के नाम से भी जो है वो जानते हैं, इसमें शामिल होने के लिए किस देश ने जो है अभी अभी जो है आवेदन किया है, यानी कि अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपको देखने मिलेगा इंडिया, भारत, दूसरा जो है वो जापान, तीसरा जो है चाइना, और चौथा जो है वो सिंगापुर। इसमें से जो है दो कंट्री ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जो है इसके मेंबर हैं, तो ऑलमोस्ट दो कंट्री जो अगर आपको इसके बारे में पता है एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग,
तो इसमें से दो कंट्री जो है वो अपने आप छट जाएंगे, जापान और सिंगापुर, ये जो है ऑलरेडी मेंबर है। यहाँ पे बचता है दो ऑप्शन, चाइना और इंडिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चाइना। अब हम बात करते हैं चाइना ने जो है वो अप्लाई किया है एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग जो है, जो कि 11 कंट्रीज़ का जो है वो एक ग्रुपिंग है, और चाइना चाहता है कि इसमें ऐड होकर जो उनका इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसमें जो है ये बढ़ाएं। साथ ही आप देखोगे जो चाइना का मार्केट अभी है वो बहुत ही ह्यूज है, लेकिन अपने आप में जो है क्लोज मार्केट है, क्योंकि चाइना ही जो है वो सारी तरह की प्रोडक्ट जो है बनाता है और अपने देश में जो वो चीज़ें बेचते हैं फैलाते हैं उस जो उस कट ऑफ प्राइस में। आप देखोगे बाकी कंट्री जैसे कि इंडिया हो गया डेवलपिंग कंट्री, तो वैसे कंट्री को जो है वहाँ पे चाइना के प्रोडक्ट को जो है ओवरटेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है थोड़ी सी महंगे और जो है वो टिकाऊ आएंगे। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रुपिंग आप देखोगे तो वो एशिया जो है, यानी कि इसको जो है CPTPP के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कंप्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, या फिर से एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग के नाम से भी जो है जानते हैं। इसमें आप कंट्री देखोगे तो इसमें आता है बोर्नोई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, इसके अलावा जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और वियतनाम। और अभी जो है ये न्यूजीलैंड जो है इसका आप देखोगे कि न्यूजीलैंड के जो ट्रेड मिनिस्टर है इनके पास जो है इन्होंने अप्लाई किया है चाइना के। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कंट्री है जैसे जापान हो गया, मलेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, ये जो है अपने आप में एक ह्यूज जो है वो मार्केट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और वियतनाम हो गया, तो ये जो है अपने आप में ह्यूज मार्केट है। और चाइना जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसमें शामिल हो जाता है तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा अपने मार्केट को जो है बढ़ाने के लिए, और साथ ही जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो डिप्लोमेशन रिलेशन है, इसको भी जो है इंगेजमेंट जो थोड़ा ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। और इसमें से आप देखोगे ऐसे बहुत सारे कंट्री भी जो हैं जिनमें से चाइना का जो है ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो रहता है हर साल। इससे पहले देखोगे फरवरी में न्यूज़ में था, जून में था, कि फरवरी में यूके चाहता था जो कि जो इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा ले। यूके आपको पता है कहाँ पे है ना, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके चाहता था कि इसमें जो है वो अपना एग्री उन्होंने भी जो अप्लाई किया था ताकि ये इस ग्रुप में जो है शामिल हो जाए, और उनका तर्क यही था कि उनके जो है आप देखोगे तो जैसे जापान हो गया, मलेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया और सिंगापुर हो गया, तो इनके साथ जो है वो पहले से ही उनका ट्रेड जो है वो बहुत बड़ा है, तो चाहते थे इस ग्रुप में जो है शामिल हो जाए ताकि ट्रेड को जो है वो एक अच्छे लेवल पर जो है अपनी ट्रेड को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो है बाकी कंट्रियों से बढ़ा सके। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू डेवलप रीयूजबल GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से पढ़ोगे, यानी कि पुनः प्रयोग GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल विकसित करने के लिए कौन सा संगठन जो है वो इसे टेक्नोलॉजी पे जो है काम कर रहा है, तो आपको जो है ये आंसर पता होगा। और आपको जो है अगर GSLV Mk3 के बारे में पता है, GSLV के बारे में पता है, तो आपको जो है ये पता होगा कि ये कौन सा जो है वो ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है SpaceX, इसरो, वर्जिन गैलेक्टिक और रोस्मोकॉस, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है इसरो। आपको पता है इसरो जो है इंडियन स्पेस जो है वो रिसर्च सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है। SpaceX जो है इलोन मस्क की जो है वो प्राइवेट कंपनी है, और वर्जिन गैलेक्टिक आप देखोगे कि ये जो है आपको देखने मिलेगा जेफ बेजोस की जो है ये कंपनी है, और रोस्मोकॉस जो है रशिया का जो है स्पेस एजेंसी है। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है इसरो, ऑप्शन नंबर बी। और इसरो चाहता है कि जो GSLV Mk3 है जो कि डेवलप हो रहा है उसको जो है रियूजबल डेवलपमेंट में जो है ये लाएं, ताकि जो भी हम लॉन्च करें तो जो सेकेंड स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज होगा उस रॉकेट का, उसको जो हम दोबारा लॉन्च जो है वो यूज़ कर सके। और इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट है लॉन्च व्हीकल बनाने की, उस कॉस्ट में जो है बहुत ज़्यादा जो है सेविंग आपको देख सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी जो है इससे पहले आप देखोगे कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है SpaceX वो जो है यूज़ कर रही है, और यहाँ पे जो है वो बहुत सारे सक्सेसफुल फ्लाइट भी जो है वो कर चुकी है, जहाँ पे अपने जो रॉकेट है उसको रीयूजबल जो है वो बना लेते हैं, जो कि सेकेंड और स्टेज और फर्स्ट स्टेज जो है वो होता है उसमें। और SpaceX की तरह ही जो इसरो चाह रहा है कि जो GSLV Mk3 है इसको जो है एक रियूजबल व्हीकल जो है वो बनाया जाए, जैसे कि जब भी हम फ्यूचर में लॉन्च करें, आपको पता है कि इसरो जो है वो हर महीने में आप देखोगे, महीने 2 महीने में आप देखोगे कोई ना कोई मिशन जो है इसरो लॉन्च करते ही रहता है।
तो अब जब कोई ना कोई जो है मिशन लॉन्च करते रहता है, तो अगर हमारे पास रीयूजेबल एक लॉन्च व्हीकल होगा तो हम उस कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, जो कॉस्ट जो है हमें एक व्हीकल बनाने में लगता है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 2 दिन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको जो है मैंने कवर कर लिया है, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट जो है आप बिल्कुल भी मिस ना करो, और बेल बटन की ज़रूर क्लिक कर लेना। इसके अलावा आपको इसका PDF जो है आपको एग्जामिंग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने पास जो है रिविजन के लिए रख सकते हो। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। मैं प्रशांत राय, साइनिंग ऑफ।